सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से हम आपके साथ हैं भजन संहिता 97 लेकर, परमेश्वर सर्वोच्च शासक। तो आइए शुरू करते हैं भजन संहिता 97। यहोवा राजा हुआ है, सारी पृथ्वी मगन, और जो दीप जो बहुतेरे हैं वह भी आनंद करें। बादल और अंधकार उसके चारों ओर है, और उसके सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। उसके आगे आगे आग चलती है, उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करती है। उसकी बिजलियों ने से जगत प्रकाशित हुआ, पृथ्वी देखकर थरथरा गई। और पांचवी आयत इस प्रकार से कहती है, पहाड़ यहोवा के सामने मोम की तरह पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने। यहाँ पर लिखा है सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने, कुछ लोगों के नहीं, दुनिया भर के परमेश्वर के सामने। वो पहाड़ जो कि जाना जाता है विशेष रूप से एक कठोरता के लिए, पहाड़ को मैं आपको बता रहा था कि पहाड़ जो कि कठोरता के लिए जाने जाते हैं, वे परमेश्वर को देखकर, परमेश्वर जब उसके सामने आए तो मोम के समान पिघल गई। इतना डर, इतना भय, अपने आप का सरेंडर करना। पहाड़ ने अपने आप को सरेंडर कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम सॉरी सर। पहाड़ को तोड़ने के लिए उसके अंदर बम लगाए जाते हैं और पूरा दिन उसको काटते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, हथियारों से, जेसीबी मशीन से, अलग अलग तरीकों से पहाड़ को तोड़ते हैं। लेकिन वो पहाड़ है वो बढ़ता ही रहता है, कितना ही तोड़ो फिर भी बढ़ता ही रहता है। आपने पहाड़ देखे होंगे यहाँ से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले, वो जो को जो के त्यों है, और 24 घंटे उसकी तोड़ाई चलती रहती। पहाड़ इतना बलशाली और इतना शक्तिशाली होता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर को जैसे ही पहाड़ ने देखा वो मोम की तरह पिघल गई। जिस प्रकार मोम है वो आंच को देखकर पिघल जाता है, यहोवा परमेश्वर को देखकर पहाड़ ऐसे ही पिघल गए। आज आपका और मेरा दिल जो पहाड़ की तरह मजबूत है, कठोर है, वो दिल को भी पिघलने की जरूरत है उस मोम की तरह जो कि आंच को देखकर पिघलता है। हमें परमेश्वर के आज के वचन को देखकर, परमेश्वर के वचन को पढ़कर, उसकी सब की गई कार्यों को देखकर हमारे हृदय को ऐसा नरम करना है, मोम की तरह जो आग की तरह पिघल जाता है हमारे मन को। चलिए छठी आयत पे हम चलते हैं। लिखा हुआ आकाश ने उसके धर्म की साक्षी दी, आकाश ने धर्म है उसकी साक्षी दी है, और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है। पूरी दुनिया के लोगों ने परमेश्वर की महिमा देखी है कि कैसे कैसे काम है परमेश्वर ने किए थे। जब मिस्र की गुलामी से इजरायलियों को बचा कर लाया था परमेश्वर, तो 4.5 लाख लोगों के करीब को किस प्रकार से इतनी बड़ी टोली में लेकर आया था, और रास्ते में आने वाले सभी देशों के लोगों को किस प्रकार से परमेश्वर ने हरा दिया था, और किस प्रकार परमेश्वर उनको अपने पीछे पीछे लेकर जाता था। ये सारी बात छुपी नहीं है, दुनिया से सबको पता है। जितनी खुद ही मूर्तियों की उपासना करते और मूर्तियों पर फलते फूलते में लज्जित हो, सब हे सब देवताओं तुम उसी को दंडवत करो। इसी प्रकार से जो लोग उन मूर्तियों को प्रणाम करते हैं जो कि इंसान की बनाई हुई है, देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, कोई एक्शन नहीं ले सकती, ऐसी चीजों की लोग उपासना करते हैं जबकि उन मूर्तियों से इंसान खुद पावरफुल होता है, ताकतवर होता है। ऐसी मूर्तियों की उपासना करने वाले लोग एक दिन लज्जित होंगे, क्योंकि उनके काम कैसे बनेंगे, कौन करेगा। एक मूर्ति रखी उसको आप बोलोगे जाओ आप मेरे लिए कोई काम करो, तो क्या वो कर सकती है? नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जान नहीं है। जब तक किसी के अंदर एनर्जी नहीं है तब तक क्या कर सकता है। आपने घर में पंखा लगा दिया, उसके तार भी लगा दिया, लेकिन आप जब तक इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब ऑन नहीं करोगे, जब तक उसे आप लाइट नहीं दोगे, क्या वो एक्शन लेगा, क्या कोई काम नहीं करेगा? नहीं करेगा। इसी प्रकार से जब तक किसी चीज को एनर्जी नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती है, तब तक वो काम नहीं कर सकती है। पत्थर की, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां भी ऐसी है, वो बॉडी तो बना दी गई लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डाला गया, तो वो कैसे काम करेगी?
नौवीं आठवीं आयत पे जाते हैं। सियोन सुनकर आनंदित हुई और यहूदा की बेटियां मगन हुई, हे यहोवा यह सब तेरे नियम के कारण हुआ, क्योंकि हे यहोवा तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है, तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। हे यहोवा के प्रेमियों बुराई से घृणा करो, जो यहोवा से प्यार करते हैं, जो यीशु मसीह से जीसस से प्यार करते हैं, उनको बुराई से दूर रहना चाहिए, और वह अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता है और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। शैतान के हाथ से परमेश्वर हमेशा अपने चाहने वालों को बचा के रखता है, उनकी रक्षा करता है और हमेशा उनको अपनी सुपर प्रोटेक्शन में रखता है। धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, परमेश्वर का धन्यवाद। सारी जो बातें हैं जो बाइबल के अंदर लिखी गई है उसको यदि एक पंक्ति में पढ़ा जाए, बोला जाए, तो उसका एक ही वर्ड बनता है, परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर की सभा में उसी का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, ऊंचे स्वर से परमेश्वर का धन्यवाद करो, आनंद के साथ यहोवा का धन्यवाद करो। बस जीवन का यही मंत्र है। आप यदि इस मंत्र को पढ़ते रहे, इस काम को करते रहे, तो फिर आपको स्वर्ग में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय मसीह।